प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने के लिए बड़े बड़े दावे करती है, मगर हकीकत यह है कि आज भी कई गांव सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नाहन के नौलाधार ऐसे ही सड़क सुविधा से महरूम लोगों ने विरोध स्वरूप अब पैदल नौलाधार से राजधानी शिमला तक जाने का फैसला लिया है। पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। सड़क की मांग को लेकर पैदल मार्च पर निकले ये लोग नौलाधार क्षेत्र के चंबाधार गांव की है। हैरानी देखिए, इस गांव को आज तक सड़क सुविधा नहीं मिल पाई है। उससे भी बड़ी हैरानी की बात ये है कि साल 2002 में यहां सड़क का शिलान्यास हो चुका है, बजट का प्रावधान भी किया गया, बावजूद इसके 6 साल बीत जाने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई। सड़क की मांग को लेकर अब इन लोगों ने नौलाधार से शिमला तक पैदल सफर कर सरकार से मदद की गुहार लगाने का फैसला लिया है। यहां समस्या उस समय और विकराल हो जाती है जब किसी मरीज को मुख्य सड़क तक पहुंचाना होता है। कई बार तो मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को घर तक पहुँचाना किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है, मगर लोगों की समस्या को लेकर ना तो यहाँ के नेता और ना ही संबंधित विभाग के अधिकारी गंभीर है, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो यह पर्यटन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि इसी रास्ते से लोग तीर्थ स्थली चूड़धार भी पहुँचते हैं। गाँव में लोग कई दिन बिजली पानी की सुविधा से भी महरूम रहते हैं। ये सड़क हमारी बहुत जरूरी चाहिए जी, हमारे को ना जी इतना भाड़ा किराया हम दे नहीं सकते, हम जमींदार आदमी है, हमारे बुजुर्ग भी है, गर्मी की बीमारी भी होती है ना जी, और चक्के लाने पड़ते हैं, इतनी चढ़ाई से देख लो 3 किलोमीटर की चढ़ाई है। हम चाहते हैं कि हमारे को सड़क मिले, हम कई प्रयास करते हैं, ये सब कुछ कागज तैयार है जी, हम ना जाने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि पद यात्रा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी सड़क तुरंत आदेश हो और हमारे को सड़क चाहिए। ये जो हम ये पद यात्रा निकाल रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, हम उनके पास जा रहे हैं। हमारे सड़क की समस्या है, ये जो हमारा रोड है ये नौराधार से सातधार तक का संपर्क मार्ग 2002 से लेकर अभी तक इसमें कोई कार्य नहीं हुआ। इसकी घोषणाएं जितनी भी पिछली सरकारें गई, घोषणाएं पे घोषणाएं हो रही है, इसके बारे में हमें आज तक अवगत नहीं कराया गया और ना ही इसका कोई कार्य अग्रसर हुआ। हम पद यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगे कि ये लोग किस प्रकार से परेशान हैं। हम लोग, हमारे बाप दादा सब लोग काफ़ी समय से लेकर इस रास्ते से चल रहे हैं, जा रहे हैं। सड़क के बारे में हम जितने भी यहाँ के जमींदार हैं, एससी वर्ग के, जनरल वर्ग के, सभी लोगों ने, हम लोगों ने अपनी रजिस्ट्रियों के लिए खुद पैसा दिया है और खुद इसकी रजिस्ट्रियाँ करवाई है, और अभी तक भी इस रोड के बारे में कोई ये नहीं हुआ है कार्य, ये अग्रसर नहीं हुआ कार्य में ये रोड। हम चाहते हैं कि हम लोग, हमारी एक ही मांग है कि ये रोड हमारा पहुंचना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें जब भी सामने आती है तो इससे जहां नेताओं के वायदों की हकीकत सामने आती है तो वहीं सरकारी दावों के पोल भी खुल जाती है। अब देखना ये होगा कि लोगों के इस अनोखे विरोध के बाद प्रशासनिक अमला कितना गंभीर होता है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।